आप सभी का एक बार फिर से सिटी वैब पर स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्रीति चंद्रा। आज जन्माष्टमी का पर्व है, भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से देश भर में मनाया जा रहा है। जगह जगह मंदिरों को सजाया जा रहा है, भगवान जी श्री कृष्ण को झूले में झुलाया जा रहा है, सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें पहनाए जा रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं पुलिस लाइन के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में। यहाँ की तैयारियों को आपको दिखाएंगे, किस तरह से यहाँ पर मंदिर को सजाया गया है। ये पुलिस लाइन में स्थित है, यहाँ पर कोई पुजारी नहीं आते हैं, यहाँ पर पुलिस कर्मी ही यहाँ पर मंदिर को सजाते हैं और इतना सुंदर सजाते हैं कि देखने के लिए आए कि यहाँ पर मनमोहक प्रस्तुतियाँ भी होती हैं और शाम को एक प्रोग्राम भी रखा गया है। लेकिन अभी क्या तैयारियां हैं वो देख लेते हैं अंदर चलकर, किस तरह से यहाँ पर साज सजावट की गई है मंदिर की। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर है, मंदिर में यहाँ पर मैम भी है, उनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे किस तरह से वो साज सजावट कर रही हैं। तो लेकर चलते हैं आपको अंदर। मैम, पहले तो आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्या कहेंगी, किस तरह की तैयारियां की गई? सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी त्यौहार की। बहुत ही सुंदर पर्व है ये, और अभी पुलिस लाइन में हर वर्ष की तरह यहाँ पे जो है झांकी सजाई जा रही है, साथ ही साथ जो है यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को झुलाने के लिए भी व्यवस्था की गई है और पूरे मंदिर की साज सजावट चल रही है। तो क्या कुछ खास प्रोग्राम होंगे आज? हर वर्ष की तरह जन्माष्टमी जो पर्व है वो पुलिस लाइन में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ पे बाहर से भी लोग आएंगे और सभी लोग जो है झांकी देखने के लिए आते हैं पुलिस लाइन में। थोड़ा सा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा जिसमें पुलिस लाइन के बच्चे ही उसमें प्रस्तुति करेंगे। पुलिस लाइन के ही जो बच्चे हैं वो काफ़ी टैलेंटेड हैं, उन्होंने ही अपनी परफॉर्मेंसेज रेडी कर रखी हैं और वही लोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म वृंदावन में हुआ था, लोग दूर दूर से आते हैं, वृंदावन में जाते हैं और वहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाकर ऐसा एहसास करते हैं कि स्वयं भगवान उनके सामने हैं और उन्हें महसूस करते हैं और बहुत ही उत्साहपूर्वक इस त्यौहार को मनाते हैं, इस पर्व को मनाते हैं। लेकिन हम सहारनपुर में मौजूद है और पुलिस लाइन में मौजूद है, वो नज़ारा मैं आपको यहीं से दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से वहाँ पर झांकियाँ निकलती है। और यहाँ पर आपको ऋषिकेश के छोटे से छोटे कोने का हम नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर मेरे साथ अंकल है, कर्मचारी पुलिसकर्मी है। पुलिस लाइन से हम। अच्छा अच्छा, तो बताइए किस तरह से यहाँ पर आपने ये चीज़ बनाई है? ये जो गंगा का दृश्य दिखाया ना, कैलाश पर्वत से गंगा होते हुए पिथौरागढ़, चमोलिया, मोड़ा, यमुनोत्री, तो सारी चीजें आप देख सकते हैं कि ऋषिकेश का यहाँ पर पूरा मुआयना यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर झांकी लगाई गई है पुलिस लाइन में, सीधा आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत से नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, निरीक्षण मदन पौड़ी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, टिहरी, अनेकों यहाँ पर जो स्थान है वो दिखाए गए हैं। देवप्रयाग है, जोशीमठ है, उत्तरकाशी है, सीधा आप देख सकते हैं कि कैलाश पर्वत से गोमुख रहेगा आपका, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, उत्तरकाशी है, विष्णु प्रयाग है, फिर केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, हेमकुंड है, नीलकंठ है, लक्ष्मण झूला है, मनसा देवी भी है और ऋषिकेश भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुंदर झांकी में हर की पौड़ी, हरिद्वार का वो रास्ता, इस तरह से ये झांकी यहाँ पर निकाली गई है जो कि बेहद ही सुंदर है और मनमोहक है। शाम को यहाँ पर लाइटिंग पूरी तरह से जल जाएगी जो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। आप खास बात यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में, मिट्टी से और पेड़ पौधों से यहाँ पर शेर बने हुए हैं, भगवान जी की मूर्ति लगी हुई है और हाथी के यहाँ पर शंख भी बना दिए गए हैं। अलग अलग तरह के यहाँ पर झांकी निकाली गई है जो कि बहुत ही सुंदर है और मनमोहक है। क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से ये आपने मन में सोचा कि हर बार निकलती है इस तरह की झांकी? ये तो हर बार निकलती है, हर साल निकलती है झांकी और हमेशा की तरह ये अब भी निकाल ली गई। तो ये कौन कर्मचारी है जो मतलब अपने पुलिस लाइन के? पुलिस लाइन के सभी कर्मचारी हैं, बाहर का आदमी कोई नहीं है यहाँ। तो कब से मना
मना रहे हैं, आप खुद मनाते हैं जन्माष्टमी का पर्व? ये तो शुरू से ही परंपरा चल रही है। परंपरा? हाँ। अच्छा, क्यों मनाया जाता है, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। पुलिस की बस मनाते तो ये परंपरा ही है इनकी। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव क्यों मनाया जाता है? भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। सुना है कि व्रत भी रखते हैं और घर में पकवान भी बनते हैं, तो आपके घर में बनते हैं? बनते हैं सभी के यहाँ। बन गया आज क्या? बस ये तो घर जाकर पता लगेगा, फिलहाल तो हम यहाँ लगे हुए हैं। पूरी हलवा छोले चावल। यहाँ पर एक और कर्मचारी है, उनसे भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। क्या बन गया अंकल आपके घर? हलवा है, पूरी है, छोले हैं, चावल है, सब बन गया। ये पूजे जाते हैं। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? ये जो है सांप को बोलते हैं ना, थप्पे दिए जाते हैं, जो सांप निकलते हैं ना उन्हें मनाए जाते हैं। तो कितने दिन से लगे हैं आप इस तैयारी में, जन्माष्टमी के पर्व को लेकर तैयारी कर रहे हैं, पुताई कर रहे हैं? हाँ हाँ, हम तो यहाँ महीना भर हो गया लगभग इसी काम में लग रहे। योगी आ गया फिर वहाँ लग गए, अब इधर लगे पड़े। योगी जी ने कुछ कहा कि नहीं कहा? योगी तो मैं सकल में दिखी होगी तो। क्यों, ऐसे क्या हो गया? वो तो बैठ गया कार में और जम्मू ढक चल दिया। कुछ कहना था आपको? कहना तो जब ही चाहे, जब आज मिले आदमी है नहीं, जब कोई मिल ही रहा तो क्या कहेंगे बताओ। देखिए यहाँ पर हमें और भी कुछ लोग मिले थे, उनसे हमने थोड़ा बातचीत की। चलिए, योगी जी को लेकर उनका ये कहना था कि योगी जी आए थे सहारनपुर में लेकिन दर्शन नहीं कर पाए, वो गाड़ी में बैठे और निकल गए। तो अभी हम आपको दिखा रहे थे झांकियों का ये सुंदर दृश्य, आप देख सकते हैं माता पार्वती भगवान शिव की ये मूर्ति कितनी मनमोहक है, कितनी सुंदर है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर झांकी निकाली गई है, ये यहाँ पर किस चीज का प्रयोग किया है? ये बरूदा, मुझे लग रहा है ये बरूदा है। और यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर आप देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर इतनी अच्छी से ये झांकी निकाली गई है। वो पहाड़ भी आप देख सकते हैं, महीने भर से यहाँ पर जो कर्मचारी है वो लगे हुए हैं झांकी की तैयारी करने में। और शाम को ये जो झांकी होगी बेहद ही मनमोहक होगी। आप देख सकते हैं ये दिल्ली का नज़ारा है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगी हुई है, तो कहीं पुल बनाया गया है तो कहीं गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ पर अलग अलग भगवान की तस्वीरें लगा दी गई हैं, आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल जी जिन्हें कहा जाता है, उन्हें आज झूले में झुलाया गया है। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है, आप सीधा साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, कारगर यहाँ पर लिखा हुआ है, कारागार यहाँ पर लिखा हुआ है, और राम आर्ट्स ने ये बनाया, हमारे सहारनपुर के ही होंगे। तो ये देख सकते हैं आप, कारागार मथुरा, यहाँ पर मथुरा लिखा हुआ है, और आगरा की ये तस्वीरें आप यहीं पे सहारनपुर में बैठे हुए ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस तरफ आते हैं तो वृंदावन आपका नज़र आ जाता है तस्वीरों में, आप यहीं पे सहारनपुर में बैठे बैठे ही वृंदावन के नज़ारों का यहाँ पर लुत्फ़ उठा सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इलाहाबाद है, हनुमान धाम है और संगम है। तो ये पूरी जो यहाँ पर इन्होंने एक झांकी निकाली है, जो सहारनपुर के लोग यहाँ पर आएंगे पुलिस लाइन में और देखेंगे कितना सुंदर तरीके से सुंदर झांकी बनाने के लिए, तो कितनी मनमोहक है, तारीफ़ें तो ज़रूर होंगी और सिटी वैब भी तारीफ़ करना चाहेगा और पूरे सहारनपुर वासियों को जन्माष्टमी पर्व की शुभकामना देना चाहेगा। और आप देख रहे हैं सिटी वैब न्यूज़, मैं प्रीति चंद्रा कैमरामैन रविंद्र के साथ।